मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। अब देखो कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आप कोई बुरा सपना देख रहे थे डैडी? हाँ, लेकिन वो सपना कहाँ है? आई मीन ज्योति कहाँ है, मतलब आशा कहाँ है, मतलब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? डैडी मम्मी तो कल रात को ही चली गई। क्या, कहाँ? वही जहाँ से वो आई थी। देखा देखा, तुम लोगों ने उसके हाथ का खाना नहीं खाया, इस वजह से वो तुमसे नाराज होकर चली गई। इसलिए नहीं गई वो, आपने कहा ना कि मम्मी नॉन वेजिटेरियन नहीं वेजिटेरियन थी, इसलिए गई वो। बेचारी हमारे कमरे में आके कितना रो रही थी। हाँ, मम्मी कह रही थी कि तुम्हारे डैडी को ऐसे लगता ही नहीं कि वो हमारी मम्मी है, इसलिए वो चली गई। अरे लेकिन तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकते और क्यों रोकते, जब उसका अपना हस्बैंड ही उसके साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा है तो हम क्यों रोके उसे? क्या ठीक से बिहेव नहीं किया मैंने? हाँ, उसके हाथ का बना हुआ खाना अकेले मैंने खाया है, आप लोगों ने नहीं। और फिर वो चली गई आपके कमरे में, मुझे लगा बाद में आएगी मेरे कमरे में। वो आई लेकिन सपने में, और सिर्फ आई नहीं, मेरा गला भी दबा दिया। मैं होती तो हकीकत में गला दबा देती। डैडी हम सब आपसे नाराज है, जब तक आप मम्मी को ढूंढ के नहीं लाते हम कोई आपसे बात नहीं करेंगे। और वैसे भी मम्मी ने कहा है कि जब तक आप फोन करके उसे नहीं बुलाते वो वापस नहीं आएगी। डैडी प्लीज मम्मी को वापस लेके आइए ना। मैं सोच रही थी कि ज्योति अगर वापस आ जाती है तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। सासू माँ, अगर ज्योति वापस आती है तो आप वाकई घर चली जाएंगी? हाँ, तो फिर मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये भी हो जाएगा। ओके, पेंट से अमर जी आ गए। अरे अमर यहाँ आओ, कांग्रेचुलेशन अमर जी, कांग्रेचुलेशन। किस बात के लिए? आपकी बीवी वापस आ गई यार, हमें ट्रीट चाहिए। पेंट से आपके दोस्त को बोलो ना हमें ट्रीट देने। अमर यार, ज्योति भाभी की वापसी पर तो खुश नहीं लग रहा है। इधर ज्योति जैसे वापस आई थी ना वैसे कल रात को वापस भी चली गई। वापस चली गई? हाँ, मुझसे गुस्सा होके वापस चली गई। कांग्रेचुलेशंस अमर, कांग्रेचुलेशंस। अब किस बात के लिए? अरे पहले दिन तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज होकर चली गई, इसका मतलब तुम्हारी घर गृहस्थी अब नॉर्मल है। मजाक छोड़ो यार, मैं बड़ी उलझन में हूँ। अरे उलझन क्या है, उसका हाथ पकड़ कर उसे वापस ले आओ, खत्म हो गई बात। यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ से बात शुरू होती है। मतलब मुझे शक है ये असली ज्योति नहीं है। क्या? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग स्वीटी। स्वीटी भटनागर एंड सन्स की पेमेंट आ गई? नहीं मैम, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। उन्हें रिमाइंडर भेजिए। ये अकाउंट किसके हाथ में है? सक्सेना जी के हाथ में। और वो तो आए नहीं होंगे। गुड न्यूज मैम, आज वो जल्दी आ गए हैं। रियली? भेज दूं उन्हें? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ओके, मैं चलती हूँ। ओके मैं कम इन मैडम। क्या काम है मिस्टर सक्सेना? अरे वाह, आज आपने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। किस लिए? मुझे डांटने के लिए। अब आपकी बीवी आ गई है, अब वो आपको डांटेंगी। सो तो है। मिस्टर सक्सेना, सुना आज आप जल्दी आ गए, आपकी बीवी ने जल्दी उठा दिया होगा ना? हाँ, तो जल्दी उठा दिया। दरअसल हम लोग रात भर सोए ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो 6 महीने के बाद आई ना बीवी, तो बिजी थे हम लोग, गप्पे मार रहे थे रात भर, बहुत मजा आया। गुड, आप जा सकते हैं। जाऊं? जाता हूं। अच्छा मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। क्या? आज शाम को मैं जल्दी जा रहा हूँ। किस लिए? ज्योति को घुमाने ले जा रहा हूँ मैं चौपाटी पर, गप्पे मारेंगे, गोलगप्पे खाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम।
मैडम मैडम एक और बात, मेरी बीवी है ना ज्योति, वो आपकी बहुत शुक्रगुजार है। किस बात के लिए? इसलिए कि मेरी बात छोड़िए, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में आपने बच्चों को मम्मी की कमी नहीं महसूस होने दी। यू नो गेट आउट। थैंक यू मैडम। हेलो लोलो बेटी, कैसी हो? ठीक है आंटी। क्या बात है बेटा, इतनी मायूस क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मम्मी घर पर आ गई है ना। मम्मी वापस आई थी चंद्रिका आंटी, और वापस भी चली गई। क्या? हाँ चंद्रिका आंटी, पता नहीं कल रात को डैडी ने उनसे क्या कह दिया, वो गुस्सा होकर चली गई। क्या मतलब, वो कल रात को ही वापस चली गई थी? हाँ चंद्रिका आंटी, आप डैडी को समझाइए ना कि वो मम्मी को मना कर वापस ले आए। बेटा मतलब पूरी रात वो वहाँ नहीं थी? क्या कहा आपने? मतलब पूरी रात वो घर पर नहीं थी? नहीं, वो रात को ही गुस्सा होकर चली गई और उन्होंने फोन भी नहीं किया। अच्छा बेटा मैं बात करती हूँ, बाय। क्या बात है बेटी, तू वहां से वापस क्यों आ गई? अमर को शक हो गया था कि मैं असली ज्योति नहीं हूँ, इसलिए रोने धोने का नाटक किया और वहां से चली आई मैं। और मैं अपनी सूटकेस भरकर रेडी था कि अपनी बेटी के घर जाके रहूंगा। आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अमर मुझे वापस बुला लेगा। वो किसे? मैंने बच्चों को पूरी तरह से कन्विंस कर दिया है कि मैं उनकी असली मम्मी हूँ। और अमर की सास वो तो इतनी खुश थी कि मुझे गोद में उठा लेना चाहती थी। हेलो फॉरेस्ट ऑफिसर चौधरी स्पीकिंग। उसके बाप ने फोन उठाया है तो उसको बोलना मैं ज्योति से बात करना चाहता हूँ। तू उससे क्यों बात करना चाहता है? नहीं मैं नहीं यार, तुम पहले मुझे सोचने दो। हेलो हेलो, क्या हुआ? अबे बोलना। मैं बोलता क्यों नहीं? क्या हेलो? फोन रख दिया उस आदमी ने। अच्छा मैं कॉलर आईडी पे देखती हूँ किसका कॉल था। हाँ। जरा हटे 6207594। डैडी ये तो अमर के ऑफिस का फोन है, जरूर अमर ने मुझे फोन किया होगा और फिर जानबूझ के कट कर दिया होगा। बेटी एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे। हाँ? क्या तुम इस नाटक को सचमुच जारी रखना चाहती? ऐसा क्यों कह रहे हो डैड? नहीं नहीं, अगर तुम सचमुच जारी रखना चाहती हो तो तुम्हें बहुत बहुत कोशिश करनी होगी, बहुत मेहनत लेनी होगी, सबका विश्वास हासिल करना होगा और सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम ही ज्योति हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो हम किसी भी उलझन में फंस सकते हैं, हम पर चिटिंग की केस हो सकती है, तुम पर, मुझ पर। और अगर नाटक चालू रखना नहीं चाहती तो? तो बहाना बनाकर खिसक जाओ। मैं तुम्हें हिमाचल प्रदेश ले जाऊंगा और किसी भले आदमी के साथ तुम्हारी शादी करू दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक भले आदमी को छोड़ के दूसरे भले आदमी के पीछे क्यों भागू मैं? ये तुम क्या क्या कह रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। डैडी मैं नाटक चालू रखना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे फैमिली बहुत बहुत अच्छी लगी, और फिर इस उम्र में तीन तीन बच्चों की माँ जबकि मेरा एक भी बच्चा नहीं है, जरा मुश्किल काम है। लेकिन अगर अमर जैसा हस्बैंड मुझे मिल रहा है तो मैं कुंवारी माँ बनने के लिए भी तैयार हूँ। क्या सपना है। अरे सोच क्या रहे हो, तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें फोन नहीं करती तो तुम लोग उसे फोन करो ना। मम्मी नाराज हो गई तो? बच्चों का फोन आने से मम्मी नाराज थोड़ी होती है। और वैसे भी वो अगर नाराज है तो उसे शांत करना किसकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की ना। तुम लोग फोन नहीं करते तो मैं करती हूँ। चलो शुरू को फोन करने से तो अच्छा हम उसे जाकर खींच के लाते हैं। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है। उससे अच्छा एक डैडी को फोन करके पूछ लेते हैं। डैडी को फोन करके पूछने की क्या जरूरत है, मम्मी को घर लाने के लिए डैडी की परमिशन की जरूरत है क्या? मैं जब छोटी थी ना, छोटी मैं जब छोटी थी ना तब मेरी माँ रूठ कर मायके जाया करती थी, तब मैं खुद जाकर उसे उठा कर ले आती थी। अभी पता चला कि आप इतनी स्ट्रांग कैसे है। मतलब आप अपनी माँ को जो उठा के लाती थी। अमर यार तू मेरा कहना मान,
अगर वाकई ये ज्योति भाभी है और तू उसे मनाने नहीं गया तो उसे गलत फहमी होगी कि तू किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया। और अगर ये ज्योति नहीं हुई तो एक अनजान औरत के साथ मुझे जिंदगी भर रहना पड़ेगा, और अगर असली ज्योति वापस आ गई तो मुझे दो दो ज्योतियों के साथ रहना पड़ेगा। एक काम कर, तू इस ज्योति भाभी को टेस्ट कर ले। As it is, मैं अपने बच्चों के टेस्ट से परेशान हूँ, बीवी का कहाँ से टेस्ट लूँ? वो टेस्ट नहीं यार, इम्तिहान ले ले। इम्तिहान? हाँ, तू एक काम कर, तू इस ज्योति भाभी को ऐसी कुछ चीज पूछ जो सिर्फ तुम दोनों को मालूम हो। सिर्फ दोनों? जब हम लोग शादी के बाद वाले हनीमून पे गए थे ना, तब उस वक्त मैं ऑफिस के काम के बारे में सोच रहा था, मतलब ये ऑडिट वॉडिट वगैरह है ना, तब ज्योति ने एक फिल्म का गाना गाया था, सुबह और शाम काम ही काम। अमर यार तू कोई दूसरा गाना याद करके रख। अरे नहीं, वो ये वाला गाना भी ठीक से नहीं गा सकती थी, दूसरा क्या गाएगी। इसका मतलब उन दिनों तुम ऑफिस के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। शुरू शुरू की बात थी ना। खैर वो छोड़, तू आज कैसे भी करके ज्योति भाभी को उस घटना की डिटेल्स पूछ, और अगर वो डिटेल्स बता देती है तो समझ लेना वो ज्योति भाभी है, और अगर नहीं बताती तो फिर तेरा तू देख ले यार। लड्डू लोलो लड्डू। अरे ये क्या, तुम लोग अब तक मुझसे नाराज हो? चलो चल के मम्मी को ले आते हैं, चलो। क्या फायदा होगा मम्मी को वापस लाने से, आप फिर से उनका दिल दुखा देंगे। आप हमें वचन दीजिए कि आप मम्मी को दुख नहीं देंगे। हाँ, और मम्मी जो भी खाना बनाएगी, जैसे भी खाना बनाएगी, हम सब लोग खाएंगे बिना कमेंट पास किए, चाहे वो खाना नानी माँ के खाने से भी खराब हो। ओके ओके, अब चलो चल के मम्मी को ले आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए मम्मी। आशा ये ज्योति, आई एम सॉरी ज्योति। इट्स ऑल राइट, तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो वो भी ऐसे ही करता। दरअसल 6 महीने में यहाँ नहीं थी ना, 6 महीने में कोई ना कोई मेरी आदत बदली होगी, आपकी भी बदली होगी, हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए ना सही लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो एडजस्ट करेंगे, और अगर नहीं एडजस्ट हो पाया तो यहाँ से चली जाऊंगी। अरे तुम क्यों चली जाओगी, अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो तेरा हस्बैंड। क्यों बच्चों? नहीं नहीं, हमें डैडी भी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मैंने खाना बनाया है, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। हा? चलो चलो जाओ, चल, चलो, चल, चलो। और हाँ, मैंने वेजिटेरियन खाना बनाया है। और खबरदार मेरी बेटी के साथ झगड़ा किया तो सब कुछ बता दूंगी मिस्टर सक्सेना। यस मैडम। ऐसे क्या देख रहे हो, खाना खाने आ रहे हो ना? ज्योति, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो पूछो। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि या तो मैं या तो तुम कुछ गलती कर रहे हैं। कैसी गलती? अब तुम ये यकीन के साथ कह सकती हो कि तुम आशा हो, ज्योति हो? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ है ना, यकीन है। हाँ? मेरे सवाल का जवाब तो पहले। हाँ मुझे तो पूरा यकीन है। तो मेरी एक बात का जवाब दोगी? पूछो, मैं कोशिश करूंगी। कोई ऐसा वाकया बताओ जिसके बारे में सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तुम याद दिलाने की कोशिश करो ना। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि शादी के बाद पहली बार जब हम हनीमून गए थे तब हमने क्या किया था? मेरा मतलब है वो कौन सा गाना था जिसे तुम हर बार गुनगुनाया करती थी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से जवाब दो, कल सुबह तक तुम इस सवाल का जवाब दे सकती है। लो लो स्टॉप इट, तुम तो बड़ी हो ना। अरे बच्चों क्या हो रहा है? मम्मी देखो ना, ये लोलो मुझे मार रही है। ये मुझे मार रहा है? ये मम्मी, इनका तो ये हमेशा का है। आप बैठिए ना, आराम कीजिए। मम्मी आप हमारे साथ सोइए आज। दैट्स ग्रेट आइडिया। कितने दिन हो गए ना? दिन नहीं, कितने महीने हो गए। कितने महीने हो गए मम्मी से बिछड़ के। हाँ अब हम मम्मी को कहीं भी जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। मम्मी इन 6 महीनों में आप कहाँ थी, क्या कर रही थी, हमें बताइए ना। अरे क्यों मम्मी को सीरियस बातें याद दिला रहे हो? मम्मी आप मुझे एक कहानी सुनाइए। इसकी कहानी सुनने की उम्र तो अब तक नहीं गई।
बेटा मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही है। अच्छा तो फिर गाना गाइए। हाँ ये अच्छा आइडिया है। नहीं लेकिन मुझे कोई गाना भी याद नहीं आ रहा है। रीटू रीटू वो कौन सा गाना था जो मैं हमेशा तुम्हारे डैडी की तरफ देख के गाया करती थी? क्यों नहीं कुछ नहीं ऐसे ही शायद वो गाना गाने से मेरी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ लेकिन वो गाना तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आप नानी माँ से पूछिए ना क्योंकि जब वो गाना आप डैडी को देख के गाती थी ना तो हमेशा आपको डांटती थी। कितनी बार तुम ये गाना गाओगी? अच्छा ठीक है मैं नानी माँ से पूछती हूँ। अब तुम लोग सो जाओ। कल स्कूल जाना है ना? कॉलेज बंद है क्या तुम्हारा रिटू? वो तो कभी बंद ही नहीं होता है। ये लोग कॉलेज जाते ही कहाँ है? इनका कॉलेज तो कैंटीन में होता है। I'm sorry बच्चों अब सो जाओ। हाँ ओके बाय बाय गुड नाइट जा सो जा। इससे पहले मम्मी ने मुझे कभी इडियट नहीं कहा था। मम्मी अरे तू अभी तक सोई नहीं? जा, सो जा। नहीं मम्मी बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं कि कोई तो गाना गाओ और मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा है। अरे भूल जाओ बच्चों को, उनको मैं समझाती हूँ। तू जा जाके सो जा, जा। नहीं मम्मी बच्चे बहुत दिनों के बाद कुछ मांग रहे हैं। मुझे कोई ऐसा गाना बताओ ना कि जिसे मैं शादी के पहले या शादी के बाद में हमेशा गुनगुनाया करती थी। नहीं मुझे ऐसा कोई गाना याद नहीं है। तू जा सो जा। अरे कोई तो ऐसा गाना होगा ना जिसे लेकर तुम मुझे हमेशा डांटा करती होगी। हाँ कोई नहीं मुझे कोई गाना याद नहीं है। तू जा सो जा। चल नहीं मम्मी एक तो गाना बताओ ना प्लीज। अरे हाँ याद आया बताओ। एक गाना तू हमेशा गाया करती थी। हाँ हाँ सुबह और शाम काम ही काम तू नहीं लेते पिया प्यार का नाम। अच्छा? ये गाना तू हमेशा गाती थी। अच्छा? तेरी पति की तरफ देखकर। तो फिर ये गाने को लेकर तू मुझे क्यों डांटा करती थी? क्योंकि ये गाना तेरे पति को बिल्कुल सूट नहीं करता था। हाँ। ये गाना ऐसे पति के लिए है जो ऑफिस छोड़ के अपने बीवी के इर्द गिर्द फिरता रहता है। और तेरा पति महीने में 15 दिन छुट्टी लेकर घर पर बैठता था। अच्छा ठीक है जाने। सुबह और शाम याद आया ठीक है चलिए सो जा। अब हम सो जाते हैं। अरे तू यहाँ कहाँ सोगी? जा इंतजार करता होगा। जा। नहीं मम्मी तुम बहुत दिनों के बाद मुझे मिली हो, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी। हस्बैंड तू जिंदगी भर पड़ा है। क्या हुआ? मेरी सांस भूल गई। अरे नाश्ता लगा के नहीं? अब ये कौन आया नाश्ता खाने? गुड मॉर्निंग अमर। गुड मॉर्निंग। अरे पेंट से तुम सुबह सुबह? अमर यार मुझसे रहा नहीं गया, तुम ज्योति भाभी को उनके नए बाप के घर से लेके आए? वो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ कल शाम को मेरे यहाँ पहुँचने से पहले वो यहाँ पहुँच चुकी थी। ओहो तो फिर रात भर बैठ के दिल की बातें की कि नहीं? अरे क्या खास दिल की बातें करता मैं उससे? डिनर के बाद सीधे वो बच्चों के कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में रात भर उसके इंतजार में करवटे बदलता रहा। वैसे तुम्हें अकेले रहने की तो आदत हो चुकी है ना? अरे आदत तो मुझे है रात को टीवी देखने की, टीवी देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। ओ, इसका मतलब अब बीवी की जगह टीवी ने ले ली है। ऐसा तुम कह सकते हो क्योंकि टीवी में वो हर गुण होते हैं जो एक बीवी में हुआ करते हैं। वो कैसे? दिखने में कलरफुल, देखकर जी बहलता है, रोज नए नए आइटम्स पेश करती हैं और सबसे खास बात रात को खर्राटे नहीं लेती। अमर तूने ज्योति भाभी को टेस्ट किया कि नहीं? तुम्हारा मतलब एग्जामिनेशन से? हाँ, यार उनसे कुछ पूछा कि नहीं? हाँ पूछा ना। उससे मैंने पूछा कि क्या उसे वो वाला गाना याद है जिसे वो हमारे हनीमून पर गुनगुनाया करती थी? नहीं याद आया, इसका मतलब है कि वो मेरी बीवी नहीं है। काम ही काम। मीठी मीठी बातें इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल इन्हीं बातों से मिलती।
मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।